नमस्कार साथियों, आज हम जा रहे हैं माता सुरकंडा देवी के दर्शनों के लिए और अभी हम घर से निकले हैं। और सुरकंडा देवी का जो मंदिर है चंबा से लगभग 20-22 किलोमीटर दूर एक जगह पड़ती है कद्दूखाल, और वहां से थोड़ा सा पैदल, और पैदल क्या बल्कि अब तो रोपवे हो गए हैं, वो जाती हैं, रोपवे लगे हैं, वहां से ट्रॉलियां जाती हैं। अभी हम काणाताल में, ये आप देख सकते हैं काणाताल का खूबसूरत नज़ारा, यहाँ कैंप वैम्प बहुत होते हैं। और ये पूरी रोड चंबा से और जितनी भी मसूरी वाली रोड है मसूरी तक, पूरी ये टूरिस्ट रोड है और इस पर आपको जगह जगह एडवेंचर और कॉटेज, होम स्टे, होटल्स, सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। तो आज मैं, हमारे साथ हैं रुचि और ये नैना, और कैमरे पे हैं शिवराज भाई। तो आज हम जा रहे हैं माता सुरकंडा के दर्शनों के लिए। अभी हमें काणाताल में, और हमारे साथ नैनो, हाई करो, हाई करो, हाँ। और वो सामने दिख रहा सुरकंडा माता का मंदिर, लास्ट सबसे ऊपर जो चोटी है वहाँ हमें जाना है। तो चलते हैं, फिर ले चलते हैं आपको। ये जगह है ज्वारना, और ये आप पीछे देख सकते हैं एक शानदार एक मठ भी है यहाँ पे, काफ़ी शानदार बनाया गया है बिल्कुल पहाड़ पे। और वो सामने माता सुरकंडा देवी का मंदिर लास्ट चोटी पे, और वहाँ हमें जाना है। और ये आप देख सकते हैं चारों तरफ उसके नीचे कितनी खूबसूरत ये वादी है, और काफ़ी शानदार है यहाँ, और काफ़ी ठंडा भी होता है, बर्फ़ भी गिरती है सर्दियों में, तो अच्छी खासी बर्फ़ भी गिरती है। थोड़ा आगे है माता का गेट, गाड़ियां भी लगी हैं, इसका मतलब काफी भीड़ होगी। और ये अब हम कद्दूखाल में हैं, कद्दूखाल का मार्केट, और यहाँ से 3 किलोमीटर ऊपर माता सुरकंडा देवी का मंदिर, ये आप देख सकते हैं। लगता तो पास है लेकिन जाने में काफी दूर है, 3 किलोमीटर। और ये आप ट्रॉलियाँ भी देख सकते हैं, बीच बीच में ट्रॉली लगी हुई। जय माँ सुरकंडा। और ये है माता सुरकंडा का मुख्य द्वार, और यहाँ से ऊपर, और थोड़ा ही ऊपर है, खैर अब तो पैदल कम ही है, उसके बाद रोपवे शुरू हो जाते हैं। नैनू को एक उसकी फ्रेंड दिख गई, बेबी दिख गई, नैनू खुश हो गई। हाँ हाँ, अभी आएगी, ऊपर आएगी। और ये है यहाँ पे ट्रॉली, हाँ इसमें जाएंगे। यहाँ एक ट्रॉली ऊपर से नीचे आ रही है, और इसमें हैं 4 ट्रॉली, और सारी भर के आ रही हैं, आप देख सकते हैं। और यही पहले ऊपर से नीचे आई, तो अब नीचे से ऊपर जाएंगी, इन्हीं में हम ऊपर भी जाएंगे। ये अब हम ये जा रहे हैं ट्रॉली में, ये नैनू। तो ये अब हमारी यात्रा शुरू हो चुकी है। शिवराज हमारे पीछे भी है ना, तो हमारे पीछे भी है, खाली है शायद अभी, तो हमारे उसमें तो हैं कुछ लोग बैठ रखे, आगे वाली खाली है। और थोड़ा 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 ऊपर, और रुचि को डर लगता हुआ, नीचे देखो जरा, अरे सही है, देखो नीचे, देखो नीचे, अरे बढ़िया है वहाँ, नैनू मजा आ रहा है। और ये लगभग अभी हम बिल्कुल आधे में हैं, ये आप देख सकते हैं दूसरी ऊपर वाली नीचे जा रही है, ये वाली दिखाओ यार, फिर आ जाती है नीचे आ रही, और यहाँ पे आके दोनों बिल्कुल रुक जाती हैं। ये वो पॉइंट है जहाँ पे बिल्कुल दोनों रुक जाते हैं। अब थोड़ी देर यहाँ पे स्टॉप रहेगा, और अभी तो खैर हल्के, देखो ये हम इसकी बात करते थे, ये है स्टॉप पॉइंट, और यहाँ पे थोड़ा रुक के चलते हैं, फिर मेन रास्ता यही है।
और ये अब हम बिल्कुल पहुंच चुके हैं, और यहाँ से थोड़ा सा बस कुछ कदमों के बाद माता सुरकंडा देवी का मंदिर। इससे आए थे ना, अब हम पहुंच चुके हैं माता सुरकंडा के मंदिर में, और ये आप देख सकते हैं शानदार भव्य और सुंदर मंदिर, बहुत ही खूबसूरत, बेहद शानदार। और ये जो मंदिर है ये लगभग 10,000 फीट की ऊंचाई पे है, और ये काफ़ी हाइट है इस मंदिर की, आप देख सकते हैं चारों तरफ बिल्कुल बर्फ, हिमालय, चारों तरफ ये हिमालय है। हालांकि अभी थोड़ा सा धुंध लगी है और हल्के से बादल लगे हैं तो हिमालय दिखाई नहीं दे रहा है। और ये नीचे ट्रॉली आप देख सकते हैं, यहाँ से हम आए हैं, ट्रॉली की भी सुविधा यहाँ पे अब उपलब्ध है, तो काफ़ी आसानी हो गई है। और 200 रुपये इसका चार्ज है आने जाने का एक आदमी का, और ठीक है ये भी मतलब बहुत ज़्यादा नहीं है, ठीक ही है। चलते हैं मंदिर में अंदर, तो खैर कैमरा फोटोग्राफी वीडियोग्राफी अलाउड नहीं है, तो आप अच्छी दिखा लेते हैं। जय माता। और ये नैनू और नैनू की मम्मी पूछी जा रही हैं। जय माता, जय माता। मंदिर से थोड़ा सा नीचे आगे यहाँ पे सिर्फल नारियल, सही है फूल। और ये देखो ये फूल निकल गया इसमें सिर्फल में, इसका मतलब ये बहुत अच्छे होते हैं, सफल क्यों सुबह नहीं। हाँ देखो ये फूल आप देख सकते हो, ये फूल की बहुत कीमत है। अच्छा ये फूल निकल गया इसमें, तो काफी शानदार, माता की कृपा बनी रही सभी पे। और ये अभी हमने माता सुरकंडा देवी के दर्शन करे हैं, और ये परिक्रमा के लिए पीछे, और ये मंदिर के पीछे वाली साइड है, ये आप देख सकते हैं कितना शानदार और भव्य ये मंदिर है। और ये आप देख सकते हैं चारों तरफ हिमालय, इसके हल्के हल्के भी बादल भी लगे हैं। तो ये था दोस्तों आज का हमारा माता सुरकंडा देवी के मंदिर का सफ़र, और काफ़ी शानदार, और यहाँ आके बिल्कुल एक आनंद की अनुभूति और शांति की अनुभूति होती है, क्योंकि बिल्कुल हाइट पर ये मंदिर, और ठंडा है यहाँ पर आप, और ठंडी ठंडी हवाएं चलती हैं, और चारों तरफ हिमालय। और ये मंदिर का पीछे वाला भाग था ये आप देख सकते हैं शानदार, ये मंदिर प्रांगण से ये हम आपको दिखा रहे हैं ये दृश्य चारों तरफ का। तो ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें, हमारी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।